नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में गत एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,405 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,28,51,929 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार 49 दिन के बाद देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख से कम रह गई है। आज के आंकड़ों के अनुसार गत 24 घंटे में महामारी से 235 मरीजों की जान चली गई है, जिससे कुल जान गंवाने वालों की संख्या 5,12,344 तक पहुंच गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में बदलाव के बाद मणिपुर में पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 मार्च को होनी है। कांग्रेस और भाजपा चुनावी रैलियों का आयोजन कर रही है और वोटर्स से समर्थन मांग रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने मणिपुर गठन के 50 साल पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले कुछ दशकों में कई सरकार देखी है। फरलो पर जेल से बाहर रह रहे गुरमीत राम रहीम को अब जेड प्लस सुरक्षा में रखा जाएगा। इस संबंध में एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा गया था। ये पत्र 6 फरवरी को लिखा गया था। पत्र में बताया गया है कि उनको गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं और कि राम रहीम को खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है। इसके अलावा सजा से पहले भी उसको धमकियां मिलती रही हैं। इस खतरे को देखते हुए गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को कड़ा किया जाना जरूरी है। यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत अपना पक्ष रखते हुए कहते हुए देखी गई। यूक्रेन सीमा पर तनाव चिंता का विषय है। वहीं अमेरिका ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर रूस का स्पष्ट हमला अकारण है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने भी अपने पक्ष को सामने रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ पटाखे फोड़ते रहे हैं। किसान के मुद्दे से प्रदेश और केंद्र पर हमले की शुरुआत करने वाले वरुण गांधी ने बैंक और रेलवे के निजीकरण पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता ने ट्वीट कर दावा किया है कि इन दोनों राष्ट्रीयकृत संस्थानों के निजीकरण के 5 लाख लोगों को जबरन रिटायर किया जाएगा, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्र डोनेत्स्क और लुगानस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देश की आशंका के बीच में तनाव और बढ़ेगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने यह घोषणा की है और इसी के साथ मॉस्को समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के लिए रूस के खुलकर बल और हथियार भेजने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान के साथ महीनों तक चली बातचीत के बाद अंततः अटारी बाघा सीमा के जरिए भारत सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं की पहली खेप आज भेजेगा। और घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने बताया है कि पाकिस्तान के साथ तय हुई बातचीत के अनुरूप अनाज की एक खेप अटारी बाघा जमीनी सीमा से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा तथाकथित डोनेट्स और लुहांस्क गणराज्य में सभी नए निवेश, व्यापार और वित्त पोषण पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के मद्देनजर एयर इंडिया ने आज सुबह एक विशेष विमान यूक्रेन के लिए रवाना किया है, ताकि वहां पर रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए विशेष विमान रवाना करेगा। अन्य 2 उड़ानें गुरुवार और शनिवार के लिए निर्धारित है। भारत के पत्रकार राणा अयूब को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक ट्वीट किया है। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि जानबूझकर पूरे मुद्दे को ट्विस्ट कर देने की कोशिश की जा रही है, इससे संयुक्त राष्ट्र की छवि धूमिल होगी। भारत ने कहा है कि राणा अयूब द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। उन्होंने न्यायिक उत्पीड़न की बात कही है, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि राणा अयूब जरूरी जानकारी रखे और भ्रम करने वाले जानकारी देने से यूएन की छवि खराब होगी। यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजार में दिखी घबराहट का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी पड़ा है और दोनों प्रमुख सूचकांक मंगलवार को भारी गिरावट के साथ खुले। बीएसई का मानक सूचकांक शुरुआती सत्र में 1015 अंकों की भारी गिरावट के साथ 56,668.60 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 285.40 अंकों की फिसलन के साथ 16,921.25 अंक पर कारोबार कर रहा था। रूस द्वारा यूक्रेन के 2 विद्रोही प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को मान्यता दिए जाने के बाद बेंचमार्क सूचकांक में 2% से अधिक की गिरावट के साथ ही भारतीय इक्विटी के लिए मंगलवार की शुरुआत काफी ज्यादा निराशाजनक रही। रूस यूक्रेन संकट ने पिछले कई दिनों से दुनिया भर के बाजारों को संकट में डाल दिया है। बढ़े हुए तनाव और युद्ध की आशंकाओं से उत्पन्न सुनामी ने केवल 5 दिनों की अवधि में बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों की बाजार पूंजीकरण को 9.1 लाख करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। निवेशकों के पैसे डूब गए हैं।
खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया गया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि ये चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को सीबीआई की अदालत ने 5 साल और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ना जाने उन्हें न्याय कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी भाजपा, मायावती और उनकी पार्टी बसपा पर नरम रुख इख्तियार करती नजर आ रही है। दरअसल इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि यूपी में मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। ऐसे में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। देश में प्राकृतिक संपदाओं की इतनी भरमार है कि कई बार देश के लोग ही चकित हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश में एक नदी ऐसी भी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो अपने साथ सोना बहाकर लाती है। ताही नहीं, ये नदी जब सोना किनारे पर लगाती है तो लोग इसे निकालते हैं। कई परिवार के लिए तो यह नदी जीविका पोर्जन का स्रोत भी है। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा है और ये भारत के झारखंड राज्य से होकर बहती है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों सालों से बह रही है। भारत सरकार ने 12 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन को अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 12 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर 9 मार्च तक रोक लगाए। साथ ही कोर्ट का कहना है कि वो 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अंतरिम फैसला सुनाएगी। तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम आज सबके सामने आ जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार द्रविद मुनेत्र कड़गम ने 14 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि AIADMK 4 वार्ड, PMK 4 वार्ड, AMMK 1 वार्ड और स्वतंत्र 3 वेल्लोर निगम क्षेत्र में आगे हैं। उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल के खाड़ी और उनसे सटे अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा 22 फरवरी की शाम तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है। इसके चलते इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने 15 मार्च से फिर से शुरू हो सकती हैं। इसके लिए देश के हवाई अड्डों पर विदेश से आने और जाने वाले यात्रियों की खातिर प्रभारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध लागू है। बता दें कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 जनवरी 2022 तक निलंबित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा है कि भारतीय नौसेना के निरंतर निगरानी, घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और अथक प्रयास समुद्र की सुरक्षा को बनाए रखने में काफी सफल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत महासागरों के सतत उपयोग के लिए सहयोगात्मक उपाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में विश्वास करता है। केंद्र सरकार ने सीमाओं के प्रबंधन की खातिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना के लिए 13,020 करोड़ के फंड को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस फैसले से सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये राशि साल 2021-22 से 2025-26 के बीच खर्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पेगासस एक्सपर्ट पैनल ने जांच की प्रगति के बारे में शीर्ष अदालत को अवगत कराते हुए एक अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। समाचार एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। वहीं समाचार एजेंसी PTI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मुद्दे पर लगभग 4 महीने बाद पहली बार बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आम्रपाली के घर खरीदारों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उन आवासीय परियोजनाओं की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया जिनमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। घर खरीदारों के वकील ने शीर्ष अदालत से गुरुग्राम के सेक्टर 37D में स्थित NBCC ग्रीन व्यू सोसाइटी के मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया, जिसे पूरा होने के सिर्फ 4 साल बाद निवासियों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। झारखंड के रांची जिले में पुलिस की नाक के नीचे कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग कोयले की चोरी करते हैं, इसके बाद उसे रांची के खलारी प्रखंड स्थित मैकलुस्कीगंज और आसपास के जंगलों में ले जाकर छुपा देते हैं। वहीं से कई इलाकों में इसकी बिक्री की जाती है। कोयले की तस्करी में ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो समेत कई वाहनों का उपयोग किया जाता है। आश्चर्य यह है कि पुलिस को इसकी खबर तक नहीं है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से सीमा विवाद को लेकर दिए गए बयान के बाद चीन को मिर्ची लग गई है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत सीमा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन को इस मसले पर सतर्क रहने की भी सलाह दी है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में एक पैनल चर्चा के दौरान कहा था कि चीन के साथ भारत के संबंध बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कच्चा बादाम गाना गाकर मूंगफली बेचने वाले भुवन बायटकर अब रॉकस्टार बन गए हैं। उनका गाना लोगों के कानों में गूंज रहा है। बीते दिनों उन्होंने कोलकाता में एक नाइट क्लब में परफॉर्मेंस दी। 3 महीने पहले उन्हें अपना परिवार पालना मुश्किल पड़ रहा था। अब म्यूजिक कंपनी ने रॉयल्टी के रूप में उनको 1.5 लाख रुपए दिए हैं। उन्हें इतना प्यार और फेम मिल रहा है कि भुवन यकीन नहीं कर पा रहे हैं। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने कहा है कि वो बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उनको धमकी देने वाले पत्रकार का नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा है कि वो किसी का करियर नहीं खत्म करना चाहते। गौरतलब है कि बोर्ड ने कहा है कि वो साहा से उनके उस ट्वीट के बारे में पूछेगा जिसमें उन्होंने कथित रूप से एक पत्रकार पर धमकाने के आरोप लगाए थे। साहा को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था और उन्होंने एक पत्रकार पर आरोप लगाए थे कि उस पत्रकार ने साक्षात्कार नहीं देने पर उनसे आक्रामक तरीके से व्यवहार किया। पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस में चल रही उठापटक पर विराम लगाने के लिए पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुनियोजित तरीके से एक ही झटके में कई नेताओं को उनकी हैसियत बता दी है। यही नहीं, उन्होंने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचा दिया है कि पार्टी की पूरी कमान उनके ही हाथों में है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है महासेठ माइकल, उमाशंकर, प्रिया यादव ऑफिशियल, रंजीत मिश्रा, समीर प्रसाद, राजू कुमार, परवेज आलम, धीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आने वाले समय में भावी प्रधानमंत्री आपको कौन नजर आते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।